फिल्म स्पाई 29 जून को रिलीज हो चुकी है। फिल्म के निर्देशक गैरी हैं। फिल्म स्टार कास्ट: निखिल सिद्धार्थ, ईश्वर्या मेनन, आर्यन राजेश, राणा देगुप्ती, मकरंद देशपांडे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम स्पाई मूवी का रिव्यू करने वाले हैं। आपको बता दूं कि फिल्म के ट्रेलर को देखकर लोगों को लग रहा था कि फिल्म में सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी से लेकर मौत तक की कहानी दिखाई जाएगी और साथ ही उनकी मौत के रहस्य से पर्दा उठाया जाएगा, लेकिन फिल्म के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया। फिल्म के अंदर 80% एक्शन ही एक्शन है, वो भी गली मोहल्ले के बच्चों के लेवल का। सिद्धार्थ की एक्टिंग भी एकदम थर्ड क्लास दिखाई दी, बोले तो ओवर एक्टिंग हद से ज्यादा। फिल्म की शुरू से लेकर आखिर तक की कहानी का कोई तालमेल ही नहीं है, एकदम बकवास VFX। फिल्म की स्क्रीनिंग एकदम झंड है। हाँ, अगर किसी को वर्ल्ड टूर करना हो तो वो ये मूवी जरूर देख सकता है, क्योंकि फिल्म की स्क्रीनिंग कभी इंडिया नेपाल बॉर्डर, कभी पाकिस्तान, कभी न्यूजीलैंड, तो कभी जॉर्डन, कभी इजराइल, कभी USA। क्या यार, डायरेक्टर साहब मूवी बनाई है या टूर ट्रेवल एजेंसी का एडवर्टाइजमेंट किया है? मतलब कहानी पर कोई फोकस ही नहीं है। दोस्तों, फिल्म एक स्पाई थ्रिलर है जिसमें देखने को कुछ नया नहीं है, वो ही देश पर कुछ आफत आ जाती है और कुछ रॉ एजेंट देश को बचाने के मिशन पर निकलते हैं और फेल हो जाते हैं। फिर किसी ऐसे को बुलाया जाता है जो सबसे ज्यादा काबिल है, फिर वो अपनी टीम को तैयार करता है देश को बचाने के लिए। जैसे कि पठान का कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल वही सेम। कहा जाए तो एकदम कम बजट की पठान फिल्म है ये। अगर एक लाइन में बोलूं तो फिल्म की कहानी एकदम झंड है, स्क्रीन प्ले झंड है, प्रेजेंटेशन करने का तरीका भी एकदम झंड है, जिस वजह से ऑडियंस ना तो फिल्म की कहानी के साथ और ना ही किसी कैरेक्टर के साथ जुड़ पाए। साथ ही फिल्म का एक्शन लेवल भी बिल्कुल झंड है। दोस्तों, पॉइंट की बात बोलूं तो फिल्म को देखना एकदम से दर्द है। मेरी तरफ से मूवी को 5 में से 2 स्टार मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।